तो मुझसे एक महिला ने पूछा, आप जानती हैं इन्हें, काफी बार कथा में आती हैं, जानती हैं उन्हें? हाँ। तो मेरे कुछ दिन पहले महाराज जी ने बड़ी सुंदर अंगूठी पहनी थी। तो बोले हाँ पहनी होगी। बोले नहीं, हर्ट शेप की थी। तो कोई ने कहा नहीं, हाँ तो पहनता हूं, बट आई टोल्ड यू जस्ट फॉर स्टाइल, नथिंग एल्स। पहन भी देता हूं और उतार भी देता हूं, पर भरोसा मेरा एक ही ठौर पर कायम है, मेरे सदगुरु की कृपा से। आज भी है और सदा रहेगा, आज भी है और सदा रहेगा, हरि का ही बोलवाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। अरे इसीलिए तो आपसे कहता हूं, क्यों भागते हो आप यहां से? संसार की प्रत्येक सुंदर वस्तु प्रभु ने आपके लिए रची है। एक पिता जीवन भर छल कपट परिश्रम करके संपत्ति अर्जित करता है, किस लिए? अपने पुत्र के सुख के लिए ही तो करता है, और उसका क्या उद्देश्य है? जब तक पिता संपत्ति कमाता है, तब तक तो उसके जीवन से भोग की वासना समाप्त हो जाती है। वो जो अर्जित करता है किस लिए? कि मेरा पुत्र सुखी रहे। ऐसे ही उसने भी इतना सब रचा है, आपके और मेरे सुख के लिए रचा है, आपके और मेरे उपयोग के लिए रचा है। झंझट कहां है? आप अधिकार करना चाहते हैं, उपयोग नहीं करना चाहते। ले लीजिए, पर जिस सहजता से लेते हैं, जो प्रसन्नता आपको लेते हुए होती है, वो प्रसन्नता जिस दिन देते हुए भी होने लगे, आप समझना आप जीते जी मुक्त हैं, आपको किसी और मुक्ति की आवश्यकता नहीं। जो प्रसन्नता आपको वस्तु पाने में होती है, वो प्रसन्नता आपको वस्तु बांटने में होने लगे, देने में होने लगे, देते समय दुविधा ना हो, देते समय द्वंद ना हो, देते समय वस्तु के मोल का विचार ना हो, पहुंचिए। इसीलिए संसार बनाए, आपको साधने के लिए बनाए, आपको बांधने के लिए नहीं। भगवान की कोई रचना जीव के अहित के लिए हो ही नहीं सकती। भगवान ने जो रचा है वो आपको और मुझे साधने के लिए रचा है, बांधने के लिए नहीं। जिस व्यक्ति के पास दो समय का भोजन है ही नहीं, उसके लिए तो रोज उपवास है, उसके उपवास का मोल क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन जो भरा पूरा है, सुंदर सुंदर व्यंजन लगे हैं, लेकिन मन में तृष्णा नहीं है, वो उपवासी है, वो त्यागी है, वो विरक्त है। इसलिए रामायण में लक्ष्मण जी के त्याग से भी बड़ा त्याग भरत जी का बताया जाता है, क्योंकि लक्ष्मण जी तो वन में है, वन में रहकर तपस्वी हैं, भरत चक्रवर्ती सम्राट के वैभव के मध्य में रहकर विरक्त हैं, मन स्पर्श नहीं करता उसका। ये बड़ी सुंदर विधा है जीवन जीने की, बात बड़ी सुंदर विधा है ये, जो हमारे यहां के संत सिखाते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, वस्तु आपके उपयोग के लिए है, हाँ आप अधिकार करना चाहते, ये दूषित वृत्ति है। मुझसे अभी कुछ समय पहले एक बालक ने पूछा, मुझे बड़ा आनंद हुआ, बोले आप अभ्यास और वैराग्य की बात करते हैं, वैराग्य कहते किसे हैं? ये शायद जिस दिन यूथ का सेशन था उस दिन एक बालक ने मुझसे पूछा कि वैराग्य कहते किसे हैं, कुछ ना हो पास में इसका नाम वैराग्य है? बिल्कुल नहीं, कुछ ना हो पास में इसका नाम तो अभाव है। पढ़ लेना, शब्दकोश में पढ़ लेना, आपके पास कुछ नहीं है, इसका नाम अभाव है, इसका नाम दरिद्रता है, इसका नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो वो है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ आपके पास होते हुए भी आप किसी के नहीं हैं। आपके पास सब है पर आप किसी के नहीं हैं, सब वस्तु आपके पास में है। इसलिए आज का मेरा ये वाक्य ध्यान में रखना, मुक्ति कहीं खोजने मत जाना। जिस दिन जो प्रसन्नता आपको लेते समय होती है, जिस दिन वही प्रसन्नता आपको देते समय होने लगे, आप समझना अब आप आ गए उस परिधि में। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। मीरा ने कहा मैं प्रणाम नहीं करूंगी, पहले दिन कलह मोल ले लिया, पर सिद्धांत से समझौता नहीं किया। देखो
कुछ देर पूर्व भी मैं कह रहा था, आप चलोगे तो पैर फिसलेगा, कभी भटकोगे, कभी उलझन आएगी, कभी द्वंद आएगा, कभी दुविधा आएगी। लेकिन जैसे जब एक वृक्ष बढ़ता है तो कभी कभी वृक्ष लगाने वाला ही उसकी कुछ टहनियां काट देता है। क्यों? क्योंकि वृक्ष के बढ़ने के लिए उन टहनियों का काट दिया जाना आवश्यक होता है। कभी कभी टहनी को बढ़ने के लिए स्थान नहीं मिलता तो उसका आकार सुंदर नहीं होता, वो टेढ़ी मेढ़ी होकर आगे बढ़ती है। लेकिन वृक्ष के जीवन में कोई भी दिन ऐसा नहीं आता जिस दिन वृक्ष अपने मूल से अपना संबंध विच्छेद कर लेता हो। वो दिन नहीं आता, जिस दिन वो दिन आता है उसके बाद वृक्ष वृक्ष नहीं रहता, पत्ते सूख जाते हैं, पंछी उसके डाल पर बैठना पसंद नहीं करते, छोड़ जाता है हर कोई उसे। जिस दिन वृक्ष अपनी मूल को छोड़ देता है, जिस दिन वृक्ष अपने जल जड़ से विलग हो जाता है, उस दिन वृक्ष अकेला रह जाता है, उस दिन से उसकी जीवन यात्रा पतन की ओर आगे बढ़ने लगती है। ऐसे ही जीवन में भक्ति में एक सिद्धांत है, भक्ति में एक सिद्धांत है जो शाश्वत है, भक्ति अनन्या हो, भक्ति पतिव्रता हो। अब भक्ति अपने इष्ट के अतिरिक्त, अपने आराध्य के अतिरिक्त किसी अन्य से कुछ स्वीकार ना करे, यही भक्ति का पातिव्रत है। और गोस्वामी जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक सुंदर स्त्री उसके तन पर नख से लेकर शिख तक अनमोल आभूषण हो लेकिन वस्त्र ना हो तो बसनहीन नहीं सोह सुरारी, वस्त्र के बिना उसकी शोभा नहीं है, और मैले कुचैले वस्त्र में लिपटी हो तो कबीर कहता है पतिवरता मैली भली, वो मैले कुचैले वस्त्रों में है पर सज्जन पुरुष उसका आदर करेगा, उसका चरण स्पर्श करेगा, उसकी चरण धूल अपने माथे पर लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो पतिव्रता है, उसके पास सतीत्व का बल है, उसके पास उस पातिव्रत का तेज है। ऐसी भक्ति पतिव्रता हो, अभावग्रस्त हो, चिंता नहीं, कहां भगवान को चिंता रहती है आपके वैभव की। कल ही मैंने आपको सुनाया, द्वारिकाधीश अपने मंदिर का वैभव छोड़कर एक भक्त की बैलगाड़ी में बैठकर चल देते हैं, जहां भोग राग की व्यवस्था नहीं, जहां वस्त्र की अवस्था नहीं, जहां आसन की व्यवस्था नहीं, वहां चले हैं भगवान। लेकिन मीरा ने सिद्धांत से समझौता नहीं किया प्रणाम। सास ने कहा, अरे बहुलाए के बछेरा, पहले दिन आकर ही और हमको ठेंगा दिखा दिया, मैं घर की सबसे बड़ी, आते ही सास से कलह मोल लेना, अब आप ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं तो मीरा की बात कर रहा हूं। हां हंसी मत, कथा बहुत सावधान होकर सुनना चाहिए, आधी अधूरी बात यहां से लेकर गए तो और झंझट होता है, सजग होकर सुनना, अपनी पात्रता के अनुरूप आचरण करना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सावधान होकर सुनना बाप, सब कुछ आपके लिए नहीं है, सब कुछ आपके लिए नहीं है। मीरा की दृष्टि वो है जो कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को नहीं देखती, और आपकी मेरी दृष्टि वो है जिसे कृष्ण के अतिरिक्त हर कोई दिखाई देता है। इसीलिए आपका और मेरा आचरण और मीरा का आचरण एक सा नहीं हो सकता। हम तो केवल संकेत कर रहे हैं कि भक्ति में एक ऐसी दशा, ऐसी अवस्था भी आती है जब मन कुछ और स्वीकार नहीं करता, जब यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। दिन आगे बढ़ने लगे, पर मीरा के जीवन में सबसे बड़ी अनुकूलता क्या थी? मीरा के सत्य ने कहां आकर मीरा को अब अपनी 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 आभा प्रभा का, अपने आलोक का दर्शन कराया? भोजराज मीरा के लिए प्रथम दिन से अनुकूल थे। पहले ही दिन जिस दिन मीरा की भाव भावना का दर्शन किया, मीरा तंबूरा लेकर जिस दिन प्रथम दिन आई, प्रथम भोर मीरा जगी, भोजराज के कान में सबसे पहले मीरा का गाया हुआ पद पड़ा। सावन का महीना था, घिर आई रे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, घिर आई रे बदरिया सावन। जाने उस भाव भावना में कैसा रस था, भोजराज के हृदय को स्पर्श किया। भोजराज ने कहा, बड़े सौभाग्य से मुझे ऐसी भक्ता जीवन संगिनी मिली है, इसके मार्ग में साधक ना बन सकूं तो कम से कम इसके मार्ग में बाधक ना बनूं। भोजराज ने अपने इष्ट और आराध्य के चरणों पर अपना कर रख कर मीरा को वचन दे दिया कि जीवन भर
कभी कभी ये भोज आपके तन की छाया का भी स्पर्श नहीं करेगा। यदि आपके लिए साधक न बन सका तो आपके लिए बाधक भी कभी न बनूंगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि भगवान की कृपा का भरोसा रखिए। संसार की प्रतिकूलता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, श्री कृष्ण की करुणा से बड़ा उसका कद नहीं है, उसकी पहुंच नहीं है। मीरा के जीवन में, मीरा की वृत्ति में सत्य था, वो जहां जहां पग धरती गई मार्ग बनता चला गया, पति अनुकूल मिला। और अनुकूल क्या, आगे जाकर आप सुनेंगे कि भोजराज मीरा के भक्त हो गए, मीरा की भाव भावना का दर्शन करते, आनंदित होते। एक दिन मीरा और भोजराज बैठे थे, कुछ चर्चा हो रही थी। भोजराज ने कहा कि आप रात्रि दिवस जिनके भाव में निमग्न रहती हैं, कोई ऐसी विधि नहीं है कि कोई एक झलक मुझे भी मिल सके? मीरा ने कहा विधि तो है और मैं विधि जानती भी हूं, लेकिन मेरी सामर्थ्य नहीं है। समर्थ तो मेरे स्वामी हैं, वो जिस पर कृपा करें उसके सन्मुख होते हैं, वो जिस पर कृपा करते हैं वो जीव उनके सन्मुख होता है, मैं तो एक विधि भर जानती हूं। मीरा की विनम्रता, मीरा की विनम्रता। मीरा चाहती तो एक क्षण में भोजराज को श्री कृष्ण का दर्शन करा देती, पर मीरा ने कहा कि मेरी सामर्थ्य नहीं है, हाँ मैं विधि जानती हूं। भोजराज ने कहा अब आप जैसी विधि का पालन करना तो मेरे वश की बात नहीं, हाथ में झांझ और करताल लेकर और गाना, ये तो हिंदुआ सूर्य को शोभा नहीं देगा, सारा राजकुल हाहाकार करने लगेगा यदि मैंने गले में कंठी बांध ली, मस्त पर वैष्णव तिलक लगा लिया। मीरा ने कहा आपको इसकी आवश्यकता भी नहीं है, जो नाम प्रिय लगे बस उस नाम को पकड़ लीजिए, उस नाम की रटन लगा लीजिए। कलयुग में भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि नाम में नामी छिपा है, जैसे बीज में वृक्ष छिपा रहता है, जैसे बीज को देखकर कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आपने कभी वट वृक्ष का बीज देखा हो तो कलौंजी के दाने जितना होता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इसमें अक्षय वट छिपा होगा। ऐसे ही भगवान के नाम में भगवान का समस्त ऐश्वर्य माधुर्य, उनका सब वैभव, उनका सब रस, उनकी सारी सत्ता, उनकी शक्ति, उनका बल, उनका ऐश्वर्य छिपा है, कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता। पर कोई बीज डालता है, हवा पानी मिलता है, अंकुर फूटता चला जाता है, वृक्ष साकार होता चला जाता है। ऐसे ही सोवत जागत रटूं निरंतर राधा राधा। भोजराज ने आज मीरा जी का मन रुचिकर जान पूछ लिया कि अपराध क्षमा हो तो आपसे कुछ पूछो। मीरा ने कहा कैसी बात करते हैं आप अन्नदाता हैं, आप हुकुम हैं, आप कैसी बात करते हैं। भोजराज ने कहा नहीं, इस समय मैं केवल एक भक्त से बात कर रहा हूं, इसीलिए ऐसी बात की। प्रश्न है मेरा कि क्या कभी आपके नेत्रों ने वो रूप देखा है? पर जैसे ही सुना, जैसे ही कान में भोजराज के ये शब्द पड़े कि क्या कभी आपने इन नेत्रों से, क्या कभी आपने इन नयनों से कमल नयन को देखा है, मीरा के मन चित्त की वृत्ति, मीरा की चेतना आरोहण कर गई वहां। मोहनी मूरत सांवरी सूरत चंचल नैन बिसार बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में। मीरा ने कहा कि यूं तो वो रूप कभी नेत्रों से ओझल नहीं होता। अच्छा देखो समय तो हो गया है, 10 मिनट और ले लूं, बीच में उठा पटक मत करना, बड़ी गंभीर वार्ता है, ले लूं? पीछे वालों से भी पूछ रहा हूं, दोनों हाथ उठाकर बता दो, धन्यवाद। तो मीरा ने कहा कि वैसे तो वो रूप कभी इन नेत्रों से ओझल नहीं होता, पर हां आपके आगमन से पूर्व, आपके आगमन से पूर्व, ठीक आपके आने से पूर्व, जब मैं भयभीत थी, व्यथित थी, विचलित थी, व्याकुल थी कि कल ब्याह करके चली जाऊंगी, घोर संसार व्यवहार जो मुझे नेक भी निभाना नहीं आता, इस व्यवहार का निर्वाह मैंने आज तक नहीं किया, भोर से सांझ अब उसी व्यवहार में रम जाना पड़ेगा, कैसा मेरा जीवन होगा, मन आकुल व्याकुल भयभीत था, पुकार रहे थे मेरे प्राण क्षण क्षण, आशा लगी थी कि प्रभु आएंगे, कोई आधार तो मुझे प्रदान करेंगे, और आपके आगमन से ठीक पूर्व मायरी मना
सुपनामा परन्यारे गोपाल परन्यारे गोपाल। मायरी सुपनामा परन्यारे गोपाल परन्यारे गोपाल परन्यारे गोपाल परन्यारे गोपाल। प्रभु आए मुझे चूनर ओढ़ाई हथ लेवा हुआ मेरे हाथ पीले हुए मायरी माना सुपनामा परन्यारे गोपाल परन्यारे गोपाल परन्यारे प्रसाद
करी सगाई हार गाथा सुनाते कि प्रभु आए हथलेवा हुआ भांवर हुई और जब मैं जगी तो मेरे बिल्कुल निकट उनका एक कर कमल मेरी पीठ पर और जब मेरे नेत्र खुले तो क्या देखती हूँ सुंदर काली घुंघराली अलकों के मध्य वो नील कमल सा खिला मुखमंडल वो मुंदे नेत्र वो थोड़े से खुले उनके होंठ जिनसे झांकती उनकी दंतावली बस इतना ही तो झेल पाई मेरी देह लेकिन हाँ आपके संग भांवर पड़ने से पहले मेरे गिरधर लाल से भांवर पड़ चुकी थी इसीलिए जब आपके संग मैं अग्नि को साक्षी मानकर फेरे ले रही थी तो मेरे हाथ में मेरे गिरधर गोपाल थे काई करा और संग भामर माने जज जंजा परिणारे परिणारे गोपाल कहते कहते मीरा का हाथ अपने कंठ पर गया हीरों का हाथ जिसमें प्रभु का चित्र मीरा ने भोजराज के हाथ में धर दिया कि देखिए भोजराज ने कहा कि ये हार तो यहां मेवाड़ से पड़ले में आपके लिए गया था मीरा मुस्कुरा उठी दासी को बुलाया कि मेवाड़ से मेरे लिए जो पड़ला आया था वो अमुक स्थान पर रखा है उठा कर ला और जो पड़ला द्वारिका से आया था वो भी उठा कर ला भोजराज के सन्मुख रख दिए वो वस्त्र और वो आभूषण आज पहली बार हिंदूपति राणा को अनुभव हुआ कि हिंदूपति राणा का वैभव तुच्छ है क्षुद्र है निंद है जो जो वस्त्र और आभूषण द्वारिका से मीरा के लिए आए थे बिल्कुल जो के त्यों बिल्कुल जैसे के तैसे ताकि किसी को भनक ना लगे कि मीरा ने क्या पहना है क्या ओढ़ा है लेकिन मीरा ने तो इस संसार के वैभव का स्पर्श तक नहीं किया मीरा के गिरधर ने कभी संसार को मीरा का स्पर्श नहीं होने दिया भोजराज चकित हो गए जो कि त्यों वैसे वस्त्र वैसे आभूषण मीरा के सन्मुख भोजराज ने देखा और अनुभव किया पहली बार कि वस्तुतः इस प्रेम का कारण क्या है मीरा और गिरधर के मध्य का प्रेम आज प्रथम बार किंचित भोजराज को अनुभूति हुई और इसके बाद भोजराज ने पुनः विचार नहीं किया भूल गए कि सन्मुख जो बैठी है मेरी धर्म पत्नी है मैं इसका पति हूं इसका पूज्य हूं उठा मेवाड़ के सूर्य कुल का वो महाराज कुमार मीरा के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया नेत्रों से अश्रु ढुरक आए मीरा व्याकुल हो उठी कि क्या करते हैं आप कोई देखेगा तो क्या विचार करेगा आपका मस्तक इस प्रकार मेरे सन्मुख झुकने के लिए नहीं है आपके कर कमल इस प्रकार मेरे सन्मुख बंधने के लिए नहीं है ये तो दीनों हीनों को अभय प्रदान करने के लिए है भोजराज ने कहा नहीं आज मुझे प्रथम बार जीवन में किसी ने सत्य की अनुभूति कराई है और गुरुजनों से मैंने सीखा था जो कहता है और सुनाता है वो शिक्षक होता है और जो कह और सुना कर जना देता है अनुभूति करा देता है वो गुरु होता है और जब गुरु सन्मुख हो तो उसे प्रणाम करने में कोई दूसरा विचार कैसा आज से आप मेरी गुरु हैं अब ये दीनहीन भोजराज आपकी शरण में है मेरे योग्य कोई युक्ति हो उन तक पहुंचने की तो बता दीजिए हाँ इतनी विनती आपसे अवश्य करता हूं कि कभी जब उनके निकट आप हों और मुझे योग्य समझें तो मेरा स्मरण कर लीजिएगा क्योंकि भजन की योग्यता मुझ में नहीं साधन में साध नहीं सकता मुझे केवल आपकी कृपा का आश्रय है कभी जब आप अपने प्रियतम के निकट हो तो उनके निकट मेरा स्मरण कर लीजिएगा भोज समझता है कि भोज का कल्याण तो इसी से हो जाएगा मीरा ने कहा कि आप भले पति हैं लेकिन पति से अधिक मित्र हैं जिन्होंने मेरा पथ सुगम कर दिया है जिन्होंने मेरी यात्रा सुगम कर दी मेरी यात्रा के अवरोध हटाए हैं
मैं आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, लेकिन प्रभु के चरणों की इस दासी के मन की ये शुभ कामना अवश्य है कि यदि मैंने कोई सत्कर्म किया हो, मैंने कोई पुण्य कर्म किया हो, मेरी किसी चेष्टा से अगर मेरे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हुए हों, तो बस ये प्रभु के चरणों की दासी इतना चाहती है कि मुझसे पहले श्री कृष्ण आपका आलिंगन करें, मुझसे पहले कृष्ण आपको स्वीकार करें। यही भक्त के पास पहुंच जाने का सबसे ये परम लाभ है। इसीलिए मैंने कहा कुछ हो सके तो ऐसा करना कि आपके गुरुजनों के विचार में आपका थोड़ा सा स्थान बन जाए। बोली सखी अपने एक पद में कहती है, कभी ललिता से पूछती है और कभी विशाखा से, कि अरे मुझ पर इतनी कृपा कर दो कि कभी मेरी चर्चा प्रिया जी से चला देना, कभी मेरी चर्चा उनसे चला देना। इस मासूम दिल की बस यही एक तमन्ना है, इस मासूम दिल की बस यही एक तमन्ना है कि कभी नाम अपना उनकी आवाज में सुनूं। बस ये भोज इतना ही चाहता है। और मीरा ने कहा कि मैं वचन नहीं दे सकती क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, समर्थ स्वतंत्र मेरे स्वामी है, हाँ पर मैं आश्वस्त करती हूं आपको, मेरी किसी चेष्टा से कभी मेरे प्रभु प्रसन्न हुए हों तो मुझसे पहले प्रभु आपका आलिंगन करें, मुझसे पहले प्रभु आपको स्वीकार करें। भोजराज के मन को जैसे लगा कि आज जैसे जन्मों की आकुलता व्याकुलता किसी ने दूर कर दी हो, जैसे किसी ने जीवन का मर्म समझा दिया हो, जैसे किसी ने प्राणों को पढ़ना सिखा दिया हो, जैसे किसी ने जीवन में अनुभूति का अमृत घोल के इस नीरस जीवन को सरस कर दिया हो। आनंदित हो गए भोजराज, आपके लिए क्या कर सकता हूं। मीरा ने कहा साधु संग बिना प्राण तिसाया मरे, कि यहां सब कुछ है, आपने मेरे लिए सब अनुकूल व्यवस्था कर दी, लेकिन मुझे साधु दर्शन नहीं होता, मुझे संत का दर्शन नहीं होता, हो सके तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि यहां मुझे संतों का दर्शन होता रहे, सत्संग सुलभ हो जाए। भोजराज ने कहा कि ये मेड़ता तो है नहीं, महलों के मध्य तो संतों का आना संभव नहीं, मैं किले में मंदिर का निर्माण करा देता हूं, आप दर्शन करने पधारा करें और संत आपका दर्शन कर लिया करें, आप संतों का दर्शन कर लिया करें। भोजराज ने श्री मीरा जी के लिए श्री चारभुजानाथ का मंदिर निर्माण कराया, संत लोग आने लगे चारभुजानाथ का दर्शन करने। मीरा संतों का दर्शन करती है और गाती है, जन्म जन्म का सोया मन सतगुरु सबद सुन जागा, कोई कछु कहे मन लागा, राणा जी मैं तो बैरागण होंगी, राणा जी मैं तो बैरागण होंगी। लेकिन किस वैराग्य की बात मीरा करती हैं इसकी चर्चा कल करेंगे। आज का यह भाव यहीं श्री युगल चरणों में निवेदन करते हुए, श्री महाप्रभु की कृपा कटाक्ष का ध्यान करते हुए, आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूं। कबीरा सोया क्या करे, जागन की कर चौंप, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। जिसके हृदय में सत्य आलोकित होता है, प्रकाशित होता है, उस परम सत्य के, उस प्रपंचातीत के,